जय श्री राम आप सबको। हनुमान वडवानल स्तोत्र। कोई भी ऐसा महाभयंकर असाध्य रोग या बीमारी हो वो भी इस पाठ के माध्यम से बहुत ही जल्द ठीक हो सकता है। आप या कोई आपका अपना बहुत ही लंबे समय से कोई बीमारी से जूझ रहा हो तो आप उसके लिए भी ये पाठ कर सकते हैं। हनुमान जी की कृपा से बहुत ही कम समय में उसका शरीर या आपको कोई बीमारी हो तो आपका शरीर फिर से स्वस्थ और निरोगी हो सकता है। बस इतना ध्यान रखिएगा कि इस पाठ को करते समय हनुमान जी पर पूरी श्रद्धा और विश्वास रखना है। आपका कोई भी रोग ऐसा नहीं कि हनुमान जी नष्ट ना कर सकें। तो चलिए पहले इस पाठ के लाभ के बारे में जानते हैं और उसके बाद सबसे खास इस पाठ को किस तरह करना है, यानी कि इस पाठ के नियम और विधि क्या हैं। कोई भी पाठ हो पूर्ण नियम और विधि के साथ ही करना चाहिए, वरना उसका पूर्ण फल प्राप्त नहीं होता। इसीलिए ये वीडियो एंड तक अवश्य देखिएगा, आपको पूरी डिटेल इस हनुमान वडवानल स्तोत्र के बारे में मिल जाएगी। तो चलिए श्री राम का नाम लेकर इस महाशक्तिशाली हनुमान वडवानल स्तोत्र के बारे में विस्तार में जानते हैं। हनुमान वडवानल स्तोत्र को विभीषण जी ने हनुमान जी की स्तुति करते हुए गाया था और हम सब जानते हैं कि विभीषण जी भी सप्त चिरंजीवियों में से एक है, यानी कि सदैव के लिए निरोगी और अमर हैं और आज भी इस धरती पर उपस्थित हैं। ये स्तोत्र अपने आप में ही अनंत शक्तियां धराता है। तो चलिए पहले इस स्तोत्र के लाभ के बारे में जानते हैं। तो सबसे पहला लाभ तो यही है कि कोई भी महाभयंकर असाध्य रोग या बीमारी हो वो भी इस स्तोत्र के माध्यम से और हनुमान जी की कृपा से बहुत ही कम समय में ठीक हो सकता है। बस आप हनुमान जी पर पूरी श्रद्धा और विश्वास रखकर ये पाठ कीजिएगा। दूसरा लाभ ये है कि अगर हमारी राशि में शनि ग्रह की बाधा चल रही हो या हमारे जन्म से ही शनिदेव खराब स्थान में बैठे हों तो वो भी इस स्तोत्र के माध्यम से प्रसन्न हो जाते हैं और हमें शनिदेव की भी अनंत कृपा प्राप्त होती है। और जब शनिदेव प्रसन्न हो जाते हैं तो हमारे जीवन से सारे दुख और पीड़ा समाप्त हो जाती है और हमें धन संपत्ति और ऐश्वर्य का लाभ होता है। तीसरा लाभ ये है कि इस स्तोत्र के माध्यम से हमारे सामने कितना भी शक्तिशाली शत्रु हो वो टिक नहीं पाएगा और हनुमान जी की कृपा से उसकी तत्काल पराजय होगी। चौथा लाभ ये है कि स्तोत्र के माध्यम से हमारी कोई भी इच्छा या मनोकामना हो वो हनुमान जी बहुत ही कम समय में पूर्ण कर देते हैं। पर इस स्तोत्र का ज्यादातर उपयोग महाभयंकर असाध्य रोग या बीमारी को दूर करने के लिए ही किया जाता है। इसके अलावा एक और पाठ है जिसे हनुमान बाहु कहा जाता है, उसकी रचना तुलसीदास जी ने की है, उस पे भी मैंने डिटेल में वीडियो बनाया है, वो भी बहुत शक्तिशाली पाठ है, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। लेकिन हनुमान बाहु और हनुमान वडवानल स्तोत्र में बहुत ज्यादा अंतर है। हनुमान बाहु को भी मैंने पर्सनली एक्सपीरियंस किया है। कुछ सालों पहले मुझे बहुत ज्यादा बैक पेन हो गया था, बहुत दवाइयां ली पर कोई असर नहीं हुआ। फिर हनुमान जी पर पूरी श्रद्धा और विश्वास रखकर मैंने हनुमान बाहु का पाठ किया और कुछ ही दिनों में मेरा बैक पेन पूरी तरह से गायब ही हो गया। लेकिन हनुमान वडवानल स्तोत्र ये उससे कई गुना ज्यादा शक्तिशाली है। जब कोई भी रास्ता ना दिखे, जब कोई भी उम्मीद ना दिखे, सब रास्ते बंद हो जाए, तब हमें हनुमान जी पर पूरी श्रद्धा और विश्वास रखकर ये हनुमान वडवानल स्तोत्र करना चाहिए। अगर हम कोई पीड़ा में हैं तो भी कर सकते हैं, या कोई हमारा अपना इस पीड़ा से जूझ रहा है और ये पाठ नहीं कर सकता तो उनका नाम लेकर भी ये पाठ कर सकते हैं और कुछ ही समय में आप देखिएगा कि हनुमान जी की कृपा से सारे रोग और पीड़ा नष्ट हो जाएंगे और शरीर फिर से निरोगी हो जाएगा। तो चलिए अब हम इस महाशक्तिशाली पाठ के नियम और विधि जानते हैं। कोई भी पाठ हो अगर पूर्ण नियम और विधि के साथ ना किया जाए तो उसका पूर्ण फल नहीं मिलता। इसीलिए इस नियम और विधि को ध्यान से सुनिएगा फिर ही ये पाठ कीजिएगा। तो सबसे पहले इस पाठ के दौरान हमें पूरी तरह से ब्रह्मचर्य का पालन करना है, यानी कि हमारे शरीर को पूरी तरह से शुद्ध और स्वच्छ रखना है। ये पाठ स्त्री अथवा पुरुष कोई भी कर सकता है, बस हनुमान जी पर पूर्ण श्रद्धा और विश्वास रखकर इस पाठ को करना चाहिए। ये पाठ शनिवार के दिन ही आरंभ करना चाहिए, यानी कि शनिवार की शाम को सूर्यास्त के बाद इस पाठ की शुरुआत करनी चाहिए। ये पाठ 11 दिन का रहता है। 11 दिन तक
हर दिन 11 बार इस पाठ को करना चाहिए। इस पाठ को करने के लिए एकांत में बैठकर एक चौकी पर हनुमान जी का एक विग्रह अथवा फोटो फ्रेम रख दीजिए। उसके बाद एक तांबे का कलश लीजिए और उसमें गंगा जल भर कर उस चौकी पर ही रख दीजिए। और अगर आप भोग धरा सकते हैं तो हनुमान जी को बूंदी के लड्डू अति प्रिय है, तो वो भी आप धरा सकते हैं। उसके बाद आपको एक दिया प्रज्वलित करना है। उस चौकी पर सरसों के तेल का दिया भी प्रज्वलित कर दीजिए और उस दिए का खास ध्यान रखें कि जब तक आप 11 पाठ कर रहे हो तो वो दिया प्रज्वलित ही रहना चाहिए। और फिर आप संकल्प ले सकते हैं। अगर आप अपने लिए ये पाठ कर रहे हैं तो अपना नाम लेकर आप ये संकल्प ले सकते हैं और हनुमान जी को आपके सारे कष्ट और पीड़ाओं को दूर करने की प्रार्थना कर सकते हैं। और आप अगर किसी अपने के लिए कर रहे हैं, किसी अन्य सदस्य के लिए कर रहे हैं, तो आप उनका नाम लीजिए और हनुमान जी को प्रार्थना कीजिए कि इनके रोग और पीड़ा जल्द से जल्द समाप्त कर दीजिएगा। और फिर आप संकल्प की शुरुआत कर सकते हैं। संकल्प से पहले हमेशा ये याद रखिएगा कि राम का नाम लेना चाहिए, क्योंकि हनुमान जी को राम का नाम अति प्रिय है। आप 108 बार राम का नाम लीजिए और अगर आपके पास माला है तो एक माला राम नाम की कर लीजिए। उसके बाद आप पाठ का प्रारंभ कीजिए। 11 बार कंटिन्यूअसली आपको इस हनुमान वडवानल स्तोत्र को गाना है। उसके बाद 11 दिन तक ये कंटिन्यूअसली करना है। और जब भी ये पाठ पूर्ण हो, यानी कि 11 बार हनुमान वडवानल स्तोत्र आपका ये पाठ पूर्ण हो जाए, तो फिर से एक राम नाम की माला करनी है, फिर हनुमान जी को नमन करना है, फिर ये पाठ पूर्ण हो जाता है। और पाठ पूर्ण हो, यानी कि 11 दिन के बाद ये पाठ पूर्ण हो जाए, तो तांबे के कलश में जो गंगा जल है वो आपको भी धारण करना है और परिवार के जो अन्य सदस्य हैं उनको भी देना है। अगर आप दूसरे के लिए ये पाठ कर रहे हैं तो उनको भी अगर हो सके तो ये गंगा जल अवश्य दे दीजिएगा। हनुमान जी की कृपा से कुछ ही समय में महाभयंकर रोग या असाध्य बीमारी या कोई भी ऐसा दुख या पीड़ा होगी वो हनुमान जी तत्काल नष्ट कर देंगे और आपको और आपके परिवार को अनंत सुख की प्राप्ति होगी। तो आशा करता हूँ कि आप इस महाशक्तिशाली हनुमान वडवानल स्तोत्र का उपयोग अपने और किसी अन्यों के कल्याण के लिए करेंगे। तो मिलते हैं सनातन धर्म की ऐसी ही अमूल्य जानकारी के साथ। तब तक अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके अवश्य जाइएगा। मैं ऐसे ही महाशक्तिशाली पाठ की जानकारी हमेशा आपको देता ही रहूंगा। और कमेंट में जय बजरंगबली लिखना मत भूलिएगा और ये वीडियो अपने दोस्तों और परिवारजनों को अवश्य शेयर कीजिएगा। जय बजरंगबली, जय जय श्री राम।